बलरामपुर में पेयजल की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और पेयजल समस्या को लेकर मटका फोड़कर विरोध जताया और निराकरण की मांग की। विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के जिला सचिव नीलम ठाकुर ने वर्तमान सरकार व पूर्व भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और पेयजल समस्या को लेकर सरकार को दोषी ठहराया। किस लाए थे आज यहाँ पर? हमारे गांव टोला में हम लोग का पानी की समस्या है, बिजली भी नहीं आती है ढंग से, एक आध घंटा बिजली आती है, रोड भी नहीं है भंडार टोला में। लोग को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, गड्ढा के पानी पीते हैं, कनहर से ला के पानी पीते हैं। समस्या पेयजल की समस्या है। आज हम लोग यहाँ पर पेयजल की समस्या को लेकर मटका फोड़ आंदोलन किए हैं पार्टी की तरफ से। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं पुरांडी दादापारा की कुछ महिलाएं हैं, जिनकी लगभग 15-20 सालों से, जब से यहाँ पर बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन किसी भी सरकारों ने इनके पेयजल की समस्या का समाधान नहीं किया। आज तक ये जो महिलाएं हैं, या कहें यूं कहें कि पुरांडी की दादापारा की जितने भी पब्लिक हैं, वो आज भी ढोड़ी का, नाला का, नदी का पानी पी रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहां पर किसी तरह एक ट्यूबवेल किसी तरह गाड़ दिया गया है, जहां पर कुछ लोग हैं जो इनको पीने का पानी भी वहां से उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि गाँव घर में गाय बैल होते हैं और गर्मी का दिन है, गर्मी के दिनों में गाय बैलों को भी पीने का पानी चाहिए रहता है, मतलब जीवन यापन करने के लिए उनके, यहाँ तक कि गाय बैलों को भी पानी पिलाने के लिए इन लोग को नदी से पानी लाना पड़ता है पिलाने के लिए। तो सरकार से हमारा एक निवेदन है कि पीने के पानी का उपलब्ध कराया जाए इनको जल्द से जल्द। नल जल योजना जो चल रही है सरकार की, सब भ्रष्टाचार में लुप्त है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।